तेरा मतलब ये है कि हमें जंग नहीं लड़नी है, अपनी तलवारों को जंग लगाना है, इंतजार करना है इस गर्मी में। ओए नौनिहाल, पहले देख तो ले वीरू के दिमाग में क्या है। ओए सरदार, का घुन लग गया हम लोगों के दिमाग में, जो इस छटाक भर के लौंडे की बात सुनेंगे। गजधर, अगर फैसला तलवार से ही होना होता तो 25 साल पहले हम अपने भाइयों को ना खोते। नया नजरिया, नई सोच लेकर वीरू विलाज से आया है। इस जंग के फैसले तेरा बेटा वीर ही लेगा। वारी तरफदारी वाह, 25 बरस पहले तूने पृथ्वी पर भरोसा करके इसे राजा से मिलने भेजा और हमारे 4,500 पिंडारी धोखे का शिकार हो गए थे, और आज तू इसके लौंडे पर भरोसा करके एक और गलती करने जा रहा है। ए नौनिहाल, ये कल का छोकरा विलायत से 4 अक्षर का पढ़ाया, हम लोग उनका फैसला करेगा। हाँ, विलायत से पढ़कर ही आया है, गोरे की औलाद नहीं। यही गोरे की नहीं, तेरी औलाद है, बराबर है, पर तेरा बेटा के अंदर भी फिरंगियों से डरकर भागने की आदत होगी। काका, जरा देख तो लूं इतने सालों से इसके दिल में क्या पनप रहा है। अरे क्या पनप रहा है का मतलब, धोखा देने की नौबत ही नहीं आती। अगर जमीन का रुक्का लेने मैं गया होता, वहीं टेटुआ दबा देता राजा का, और तू साला भाग कर आ गया। कायर साला, मेरे दत्ता को गाली देता है। ए काका, जा से पकड़ूंगा, 5 शेर गोश्त निकाल लूंगा। ललकारता है, गजदर को ललकारता है, यही गाड़ दूंगा। खोदा शुरू कर, देखता हूँ कौन किसको गाड़ता है। मुकरना मत अपनी जुबान से, अगर तू पृथ्वी सिंह की औलाद है तो अब इसका फैसला जिंदगी और मौत से होगा। वही होगा। ओए, ओ चुप कर गजदर। अरे ये साला तो खोतिया है, हम पिंडारी आपस में क्यों लड़ रहे हैं प्रभु? ओए पृथ्वी, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते। ये लड़ाई होगी और जो बचेगा वही 15,000 पिंडारियों के फैसले करेगा। मर नहीं सकता, तूने मेरे दत्ता को गाली दी है। एट, एट काका, एट, 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 एट,
तुलवा लेना, पांच सेरी होगा।